हेलो दोस्तों, मैं हूं रिया। आज मैं आपको ऐसी चीज के बारे में बताने वाली हूं जिसका इस्तेमाल आप डेली लाइफ में करते होंगे, लेकिन इसके फायदों के बारे में आप शायद ही जानते होंगे। मैं बात कर रही हूं लाइमस्टोन यानी चूने के बारे में। चूना अक्सर पान में मिलाकर खाया जाता है। ये चूना हमारे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद और कई बीमारियों को ठीक करने वाला होता है। हम आपको पान खाने की सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि ये बता रहे हैं कि पान में इस्तेमाल किए जाने वाला चूना आपके लिए कितना फायदेमंद है और आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं चूने के फायदों के बारे में। जिन पुरुषों में शुक्राणु ना बन रहे हो, वे गन्ने के रस के साथ एक चुटकी चूने को मिलाकर पिए। इस उपाय से शुक्राणुओं की कमी दूर हो जाती है। किसी को जॉन्डिस हो जाए तो उसे गन्ने के रस में एक चुटकी चूना मिलाकर पिलाएं। ये जॉन्डिस को जल्दी ठीक करता है। एक चुटकी चूने को दही या दाल के साथ मिलाकर बच्चों को खिलाने से उनकी लंबाई तेजी से बढ़ती है। साथ ही चूना बच्चों के दिमाग को तेज बनाता है। मन बुद्धि बच्चों को ऐसे ही चूना खिलाने से फायदा मिलता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो वो एक चुटकी चूने को हर दिन लस्सी या दाल में मिलाकर जरूर खाएं। आप पानी के साथ मिलाकर भी चूने का सेवन कर सकती हैं। मुंह में छाले होने पर पानी में चूना मिलाकर कुल्ला करने से मुंह के छाले ठीक हो जाते हैं। यदि मुंह में ठंडा और गर्म पानी लगता हो तो ऐसा करने से वो भी ठीक हो जाता है। चूना शरीर में खून को भी बढ़ाता है। अनार या संतरे के रस में एक चुटकी चूना मिलाकर पीने से शरीर में खून तेजी से बनता है। कंधे का दर्द हो या घुटने का दर्द, चूने के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। रीढ़ की हड्डी में समस्या हो गई हो या कोई हड्डी टूट गई हो तो चूना उसे जल्दी ठीक कर देता है। इसके लिए रोज सुबह खाली पेट चूना खाना चाहिए। महिलाओं में प्रेगनेंसी के समय कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऐसे में उन्हें रोज चूने का थोड़ी थोड़ी मात्रा में सेवन करना चाहिए। ये कैल्शियम की कमी को दूर करता है। अगर आपके घुटने ठीक से काम ना कर रहे हो और उन्हें बदलने की नौबत आ रही हो तो आप एक चुटकी चूना खाएं और हरसिंगर के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिए। ऐसा करने से आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। इसी के साथ चूने के फायदों पर बना हमारा ये स्पेशल वीडियो यही समाप्त होता है। इसी तरह के और देसी नुस्खों के बारे में जानने के लिए अभी हमारे चैनल लाइफ केयर को यहाँ से सब्सक्राइब करें और अपनी फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना ना भूलें। लाइफ केयर चैनल का मकसद है बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर भगाना और छोटी से छोटी बीमारी को पास ना आने देना। सो टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।